हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल रिवाइज ज्योग्राफी चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर देर इज़ अ वर्ड इकोनॉमी। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। दिस मीन्स टू प्रोवाइड वर्क, यानी जॉब दिलाता है, वर्क प्रोवाइड करता है। एंड दिस वर्क वी कैन डू इन एनी फैक्ट्री, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन माइन। एंड फॉर दैट वर्क वी अर्न मनी, और उस वर्क के लिए हम मनी अर्न करते हैं जिस पे हमारी ज़िंदगी सर्वाइव होती है, एंड ऑन इट आर लाइफ सर्वाइव। सो इसमें ये सब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, फैक्ट्री, शॉप्स, माइंस, ये सब मिल के बनाती हैं इकोनॉमी। नाउ कम्स द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या मतलब होता है? जैसे हमने अपने खेत में शुगर केन को ग्रो किया, गन्ना उगाया, तो गन्ना क्या है? रॉ मटेरियल। और उस शुगर केन को हमने वी हैव सेंड इट टू द फैक्ट्री, वहाँ पे वी हैव सेल इट, वहाँ पे बेच दिया। इन दैट फैक्ट्री प्रोसेसिंग वॉज डन एंड न्यू प्रोडक्ट शुगर इज़ बीन मेड। सो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स, इट मीन्स from raw material with the help of processing, when we produce more valuable good, when we finished good which is more valuable than the raw material, then it is known as manufacturing. Without manufacturing, economy cannot work. It is backbone of our economy. Manufacturing is the backbone of our economy. Total economy depends on manufacturing. It means it depends on the industries and factories and on its work. So, production of goods in a large quantity after processing from raw material to more valuable product, for example, wheat, which grows in the farms, are not so much useful directly. But when it is processed in the industry or a factory, then it becomes more valuable because flour is being made of it, which we use dairy. Manufacturing is production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable products. Manufacturing industries fall in the secondary sector. People employed in the secondary activities manufacture the primary material into finished goods. The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. It means this, कि गेहूँ को जब हम खेत में उगाते हैं तो गेहूँ यूज हो सकता है, पर उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है जब उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करके उसका फ्लोर बनाया जाता है, उसका फ्लावर बनाया जाता है, तब हम उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। तो ये है वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की। ओके, नाउ वी विल स्टडी द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इन हिंदी इट मीन्स निर्माण, उत्पादन और प्रोडक्शन। ऑल दी वर्ड्स आर सेम। इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड बूस्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ दिस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को डेवलप करती है, उसको बूस्ट करती है। और सबसे पहला पॉइंट इसकी इम्पोर्टेंस में, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। इट मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड पॉइंट दे रिड्यूस। लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सेंचुरी बिफोर पीपल यूज टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। बट वेन इंडस्ट्रीज वर इंट्रोड्यूस्ड, देन रॉ मटीरियल वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्रीज, एंड फॉर दैट मैन्युफैक्चरिंग पीपल वर रिक्वायर्ड, मीन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रिसोर्स वॉज रिक्वायर्ड। और सो दीज ह्यूमन बींग्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट, इट मीन्स दे गॉट जॉब्स ओवर देयर। द ह्यूमन बींग्स, मैन पावर गॉट जॉब्स बिकॉज पीपल वर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज नाउ डिपेंडेंस और एग्रीकल्चर वॉज रिड्यूस्ड। मैनी पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रीज। So like this, economy boosted, economy developed. So with the help of manufacturing,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर बट दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर. ओके एंड रिड्यूस हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर एंड इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. सो इन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एंड ड्यूरिंग द टाइम इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस और वन सेंचुरी बिफोर when people used to depend only on agriculture the people were very poor and there was unemployment because of manufacturing industries factories and industries this unemployment has been reduced to a great level. So as you can see agriculture area was dependent in the tribal or backward areas. So when industries are set up they are set up near those areas and they give balance to the rural and urban areas. Industries were also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. So it will give balance to it because the people who are backward or who are rural they are mostly dependent on agriculture. And when industries are been set up nearby, so that these raw material can be reached to the industries for manufacturing, for processing, and for making more valuable products. So this helps. And in this, for this, agro industries is the example. So agriculture area like tribal, this have export and import. Are opens economy to the world, export of manufactured goods expand trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. Now comes the point that agriculture and industries go hand in hand. See why? Because industries have provided many tools and equipments which have provided quite useful in sowing and reaping crops and for storing the crops. Industries may tools bane इक्विपमेंट्स बने जिसकी हेल्प से अब एग्रीकल्चर आसानी से होता है. इंडस्ट्रीज हैव प्रोवाइडेड मैन्योर फॉर क्रॉप्स एंड मैनी इंसेक्टिसाइड्स विच फॉर्मरली यूज टू हार्म द प्लांट्स एंड फ्रूट्स. और इंडस्ट्रीज में मैन्योर वगैरह बनता है, इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं, फर्टिलाइजर्स को उसमें बनाया जाता है. बाई यूजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट द इंडस्ट्रीज हैव प्रोवाइडेड ग्रेट रिलीफ टू द फार्मर्स. और इंडस्ट्रीज़ की वजह से फार्मर्स को बहुत रिलीफ, बहुत रिलैक्सेशन मिला. हैड देयर बीन नो इंडस्ट्रीज मच ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वुड हैव बीन लेफ्ट अनसोल्ड. और अगर इंडस्ट्रीज नहीं होती तो बहुत सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अनसोल्ड रह जाता. हम बात कर रहे हैं स्पेशली एग्रो इंडस्ट्रीज़ की जो प्रूव करती हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक साथ हैंड इन हैंड चलती हैं एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट. दस ruining the farmers are causing great loss to the state. Contribution of industries to agriculture. Industries, especially the agro-based industries, depend upon agriculture for raw material like wheat, rice, cotton, jute, etc. क्योंकि हम उसको raw नहीं खा सकते, उसकी processing industries में ज़रूरी है, तभी हम उसको consume कर पाते हैं, use कर पाते हैं. Not only this, they provide pumps, fertilizer, insecticides to the farmer communities. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी. और इससे क्या नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है. ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टेड एट 17% ऑफ GDP. दिस इज मच लोअर दैन सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर एज इट इज 35% द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द next decade is 12% which has been around only 7% in the last decade. To develop the sector of manufacturing industries government has set up the national manufacturing competitiveness council NMCC. So now here finishes the introduction of manufacturing industries and
वी ऑल्सो पे अटेंशन दैट इंडस्ट्रियल लोकेशन वहाँ पे हो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो, यानी रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुँचने में टाइम ना लगे. तो हियर फिनिशेज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. And all of you must copy down word to word in your copy so that next time you may understand the chapter. Points likhiye aur explain kariye. Maine points mein aapko clips show kar diye hain. Explanation maine bola hai, usko aap word to word likhenge. Yahi aapka aaj ka homework hai.